मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। नवागत प्रदेश प्रभारी कुंवर जितेंद्र भंवर सिंह द्वारा प्रदेश की कार्यकारिणी भंग की गई। अब नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन होगा। सप्ताह भर पहले ही पूर्व सीएम कमलनाथ को प्रदेश प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाकर जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, साथ ही अधिकारी शहरों में यातायात प्रबंध सुगम बनाए। इस मौके पर सीएम यादव ने अधिकारियों को हिदायत दी कि मध्य प्रदेश में रेल सुविधाएं बढ़ाने पर अध्ययन कर सुझाव दे। तेज साउंड को लेकर सरकार के एक्शन के बाद से ही प्रशासन अलर्ट पर है। राजधानी भोपाल में डीजे संचालकों द्वारा परमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं। इधर भोपाल में 462 धार्मिक स्थलों से 356 को लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति है, जबकि 126 जगहों से सभी लाउड स्पीकर उतारे गए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। अब की बार 400 के पार नारे के साथ 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बुधवार को लखनऊ की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष को बुलाया गया है, साथ ही सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला प्रभारी, सभी मोर्चों के पदाधिकारी भी इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उनके बयान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और कहा कि उनके सनातन विरोधी बयानों ने ना तो हिंदू धर्म कमजोर होगा और ना ही भव्य राम मंदिर का निर्माण रुकेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में युवाओं को आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था, जिसमें आरएलडी चीफ ने लिखा था कि 23 दिसंबर 2023 के समाचार पत्रों में यूपी पुलिस में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, जिसमें आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह से राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 168 हो गई है। सबसे अधिक मुंबई में मामले सामने आए हैं, 70 ठाणे में, 29 रायगढ़ में, 17 और पुणे में 23 हैं। इनमें सबसे अधिक ठाणे के 5 मरीज शामिल हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी मरीजों की तबीयत बेहतर है और सभी ठीक हो चुके हैं। अब तक केवल राशन कार्ड धारकों को ही सस्ते दर पर आटा दाल खरीदने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब गैर राशन कार्ड धारक भी सरकार द्वारा मुहैया कराए जाने वाले सस्ते आटा दाल का लाभ ले सकेंगे। इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से होने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय भंडार प्रबंधक और दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। खत्म होने को है और आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा पूरे वर्ष होती रही, लेकिन इसी एआई ने देश के सबसे बड़े पेमेंट बैंक पेटीएम नाम से ऑपरेट करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड में 1000 के करीब कर्मचारियों की नौकरियां निकल गई है। जोया अख्तर की द आर्ट्रेज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म से शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर और अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त नंदा ने अपनी एक्टिंग डेब्यू किया है। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, मगर ये लोगों को उम्मीद पर कुछ खास खरी नहीं उतर पाई है। द आर्ट्रेज को मिक्स रिव्यू मिले हैं।